नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं। पिपरावर थाना क्षेत्र में एक नए कानून की जानकारी प्रदान करने के लिए मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें SDOP रोबर्ट गिरवाल और थाना प्रभारी निकिता विल्सन की मौजूदगी में नगर के गणमान्य जन, महिला अधिवक्ता, पत्रकारों और आमजनों को नए कानून को लेकर हुए परिवर्तन के संदर्भित जानकारी प्रदान की गई। दरअसल भारत सरकार की ओर से अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे प्रक्रिया और धाराओं में मूलभूत परिवर्तन करते हुए अपराधियों पर शिकंजा और आमजन को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छिपाबड़ थाना में SDOP रॉबर्ट गिरवाल ने उपस्थित लोगों को कानून में हुए परिवर्तन, खासतौर से धाराओं, न्याय की प्रक्रिया, समय सीमा और तकनीकी रूप से मौका मुआयना सहित विभिन्न पहलुओं पर हुए परिवर्तन में संदर्भित प्रकाश डाला। साथ ही भारत सरकार की ओर से बनाए गए इस कानून को लेकर उपस्थित जनों ने भी अपने अपने अंदर की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सवाल भी किए। SDOP रॉबर्ट गिरवाल ने बताया कि न्याय प्रक्रिया, धाराओं और कानून को लेकर लोगों तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से मीटिंग आयोजित की गई। इसके पूर्व नगर के मुख्य स्थलों पर लोगों को एकत्रित करके जानकारी प्रदान की और कॉलेज स्कूल में भी जाकर के लोगों को बताया और समझाया जाएगा। इस दौरान पुलिस स्टॉप मौजूद रहा। ऐसे अपराधों के लिए दंड है जिनमें जैसे किसी ने मान लो 5,000 रुपये तक की चोरी की है, तो अब चोरी 1 जुलाई 2024 से आज से वो लागू हो रहे हैं, तो उसके संबंध में आज एक जनसंवाद रखा गया था और उसमें गणमान्य नागरिकों को और महिलाओं को इनको आज समझाइश दी गई है कि नए कानून में महिलाओं, बच्चों के लिए कौन कौन से नए प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा के संबंध में शासन ने क्या क्या नए कानून में प्रावधान किए हैं, उसके संबंध में आज समझाइश दी गई। ठीक है।